बच्चों, इलास्टिसिटी का एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, या इसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्ट्रेस्ड वायर भी कहते हैं। और यह कभी कभी लिखा रहता है कि प्रूव दैट यू इज इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वैल्यूम ऑफ वायर, ऐसा भी लिखा मिल सकता है। तो क्या है इसका मतलब? इसका मतलब बच्चों ये है कि जैसे हमारे पास ये वायर है, जब हम किसी वायर को स्ट्रेस करते हैं तो क्या करते हैं, वर्क करते हैं वायर पर। और जो वर्क पर वायर किया गया वो किसके अगेंस्ट किया गया, वो किया गया है इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट। जो हम वायर को खींचते हैं तो इसके अंदर प्रोड्यूस होता है, उसके अगेंस्ट हम वर्क करते हैं, और वही वर्क वायर में स्टोर हो जाता है एज अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। उसी का डेरिवेशन होता है यू इज इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वैल्यूम ऑफ वायर। फिर से मैं एक बार बात करता हूं, व्हेन वी स्ट्रेस अ वायर बाय अप्लाइंग सम फोर्स, सम वर्क इज डन अगेंस्ट इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस इन अ वायर, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द वायर एज फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विच इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वायर। अब इसको करने के लिए, इसका डेरिवेशन को करने के लिए फिगर बनाना पड़ेगा। फिगर की कुछ लैंग्वेज होगी, बहुत कम लैंग्वेज लिखेंगे, और उसका मेन जो जिस्ट है, जो इस डेरिवेशन की जिस्ट है उसकी बात करेंगे। तो पहले देखो, एक वायर छोटा सा बना लीजिए जिसकी लेंथ एल होगी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए होगा। तो मैंने देखो एक वायर बना दिया, यहां से रिजिड पॉइंट है, रिजिड सपोर्ट है, यहां से मैंने एक वायर को क्या किया, ऐसे हैंग कर दिया। तो ये मेरे पास एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी बच्चों, एल है, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये कितना है, ए है, जिसका एरिया है वो ए है। तो अभी मैंने जो लिखा, मतलब जो फिगर बनाया, इसकी लैंग्वेज क्या हो सकती है, कंसीडर अ वायर, सिंपल सी लैंग्वेज, कंसीडर अ वायर ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। सिंपल सी लैंग्वेज, जैसा फिगर में दिखा वैसा मैंने लिख दिया। अब जरा देखो, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसकी दूसरी कंडीशन लेने जा रहा हूँ, एक कंडीशन ये और एक कंडीशन ये। मुझे बच्चों करना क्या है, मुझे क्या करना है, इस वायर को खींचना है। कैसे खींचना है, बाई अप्लाइंग सम फोर्स। तो क्या होने वाला है, देखो ऐसा नहीं होगा कि इसका शेप ऐसा और ऐसा हो जाए, बहुत कम चेंज आएगा, बहुत कम इसकी लेंथ बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि जैसे मैं दिखा रहा हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, थोड़ी सी लेंथ में चेंज आने वाली है, वो कैसे आएगी वो समझना है केवल। तो देखो मैंने क्या किया, ये यहाँ से इसकी लेंथ यहाँ पर कितनी है, एक्स इक्वल टू जीरो है। अभी लेंथ कितनी है, एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब इसकी जो लेंथ थी वो एक्स इक्वल टू एल है। अब मुझे क्या करना है, लेंथ बढ़ानी है एक्स इक्वल टू एल से, एल प्लस डेल्टा एल। तो आप उसको क्या कहोगे, देखो अगर यहाँ लिखा होता कि लेंथ एल है और मुझे यहाँ तक पहुँचना है, कहाँ तक, यहाँ तक पहुँचना है, तो ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, एल प्लस डेल्टा एल होगा। तो आप ये कह सकते हो कि वायर की लेंथ कितनी बढ़ानी है, वायर की लेंथ बच्चों बढ़ानी है आपको एक्स की वैल्यू डेल्टा एल बढ़ानी है। क्या करनी है, डेल्टा एल बढ़ानी है, मतलब मुझे वायर को डेल्टा एक्स खींचने में, वायर को डेल्टा एल लेंथ स्ट्रेच करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो मुझे निकालना है। तो मैं एक्स इक्वल टू एल इसमें से हटा दूं, इसमें से हटा दूं, इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी एक्स इक्वल टू जीरो और ये हो जाएगी डेल्टा एल। आप समझ में आया, उसमें से मैंने एल हटा दिया, यहां से हटा दिया, मतलब यहां एल की वैल्यू जीरो करी तो यहां भी एल की वैल्यू जीरो कर दी। मतलब इनिशियली जो वायर की लेंथ थी वो तो यहां तक अभी कोई चेंज नहीं आया, तो मैंने लिखा एक्स इक्वल टू जीरो से कितना खींचा, डेल्टा एल। तो डेल्टा एल को स्ट्रेच करने में मुझे वर्क डन निकालना है। ये वर्क डन आएगा कैसे, जब हम इस पे अप्लाई करेंगे एक्सटर्नल फोर्स। तो देखो एक बीच की कंडीशन मेरे पास ये है कि वायर को मैंने खींचा, कितना खींचा, मैंने यहां तक खींचा, कितना खींचा, बाई अप्लाइंग, यहां पे मैंने क्या किया, मैंने यहां पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया था। तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी बढ़ गई, यहां से यहां तक इसकी जो लेंथ बढ़ी है वो एक्स बढ़ी है, कितनी बढ़ी, एक्स लेंथ मैंने यहां तक मान लिया कि बढ़ी है, यहां तक एल था और उसमें एक्स बढ़ गया। फिर मैंने फोर्स को थोड़ा और खींचा लगाया, जैसे मैं थोड़ा सा फोर्स लगा रहा हूं और वो फोर्स क्या है, एफ एक्सटर्नल फोर्स है। फिर मैंने थोड़ा सा और लिमिट बढ़ा दी तो हल्का सा और खींच गया, मतलब यही वाला वायर यहां तक खींच के आ गया, कहां तक, ये आ गया खींच के,
ये आ गया। इसको मैं बोल रहा हूँ कितना है, ये है डी एक्स लेंथ। कितनी लेंथ है? डी एक्स लेंथ है। अच्छा, ये सब कब हो रहा होगा? जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ एक्सटर्नल फोर्स। जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाता है, किसी वायर को स्ट्रेस किया जाता है, तो उसके अंदर प्रोड्यूस्ड होता है इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। क्या प्रोड्यूस होता है? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। इसको बोलते हैं एफ। क्या बोलते हैं? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। क्योंकि जब आप स्ट्रेस लिखते हो ना, वो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। चलिए यहां तक पहले बात समझते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है फिगर में। तो यहां पे मैंने कंसीडर किया है अ वायर ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। व्हेन एक्सटर्नल फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन वायर, व्हेन एक्सटर्नल फोर्स कितना है, एफ एक्सटर्नल इज अप्लाइड ऑन वायर, अप्लाइड ऑन अ वायर लेंथ ऑफ वायर कितनी बढ़ जाती है, लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज्ड बाई अमाउंट कितने अमाउंट में बढ़ जाती है, बाई अमाउंट डेल्टा एल। बात समझ में आया? मैंने क्या किया है, मैंने फोर्स लगा के कितनी लेंथ बढ़ा दी है, मैंने बढ़ा दी डेल्टा एल लेंथ। कैसे बढ़ाई है? बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स। कितनी? एफ एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो लेंथ बढ़ी है वायर की डेल्टा एल। ये जो लेंथ बढ़ी है कैसे आई है? एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ही आई है, एफ एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आई है। ठीक है, अभी मैं पता करने जा रहा हूं कि जैसे ही मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूं, ये कंडीशन समझ में आ गई, ये आ गई, ये बीच में क्या लिखा हुआ है, ये एक कंडीशन है, एक कंडीशन है कि जब वायर नहीं खींचा था और वायर डेल्टा एल लेंथ खींचा था, उसके बीच की एक सिचुएशन है। उस सिचुएशन के बारे में सोचिए, तभी आपको वक्डन निकालना आएगा। आपको पहले ये फील होना जरूरी है कि जब हम वायर को स्ट्रेच करते हैं तो जो वायर पे फोर्स लगाते हो क्या वो कांस्टेंट फोर्स है? ऐसा नहीं है, क्योंकि आप जित थोड़ी लेंथ खींचते हैं तो थोड़ा फोर्स लगाना पड़ता है, जब वायर को और खींचते हैं तो उस पर और थोड़ा लार्ज फोर्स लगाना पड़ता है, थोड़ा ताकत लगानी पड़ती है। तो जैसे जैसे आप खींचते जाएंगे वायर को, आपको ताकत बढ़ानी पड़ेगी। इसका मतलब वायर को स्ट्रेच करने में जो एक्सटर्नल फोर्स आप लगाते हो वो फोर्स कॉन्स्टेंट फोर्स नहीं है, वेरिएबल फोर्स है। जब वेरिएबल फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब खिंचाव आ रहा है, तो वर्कडन तो निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए तरीका क्या है? वर्कडन बाई वेरिएबल फोर्स, वो आपको इंटीग्रेशन मेथड से करना पड़ेगा। लेकिन इस बीच की सिचुएशन के बारे में सोचिए, लेट एट एनी इंस्टेंट तो उसको लिखेंगे कैसे? लेट एट इसके बारे में सोच रहा हूं मैं, लेट एट एनी इंस्टेंट लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज्ड बाय अमाउंट एक्स when restoring force f is produced in a wire। देखो ये जो फोर्स आया है ना, रिस्टोरिंग फोर्स F जो आया है वो कब आया है? जब आपने अप्लाई किया है एक्सटर्नल फोर्स। जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो तो जो ये एक्सटर्नल फोर्स है ना, एक्चुअली F के बराबर ही तो है। जितना इधर फोर्स लगाया है वही फोर्स रिस्टोरिंग भी आया है, क्योंकि वो उसको उसकी ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन में ले जाने का काम करता है, वही रिस्टोरिंग फोर्स है। तो यहाँ पर जो F एक्सटर्नल की वैल्यू है वो F के इक्वल ही है भी। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हो, यहाँ पर ये जो डिस्प्लेसमेंट है, जो इंटरनल स्टोरिंग फोर्स है, वो F एक्सटर्नल के बराबर ही है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या है, वो भी फोर्स की डायरेक्शन में है, ऐसा कह सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो ये सिचुएशन मैंने ली है वो क्या है, क्योंकि मुझे स्ट्रेस लिखना है। स्ट्रेस क्या होता है? इंटरनल स्टोरिंग फोर्स है, इंटरनल स्टोरिंग फोर्स लिखेंगे। ठीक है, ये इंटरनल स्टोरिंग फोर्स है,
ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है वो एफ एक्सटर्नल के बराबर ही है। अच्छा, जब आप फोर्स लगा के खींचते हो तो डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वर्कडन तो आप निकाल पाओगे, ठीक है। तो उस वर्कडन को निकालने के लिए मुझे पहले क्या लिखना पड़ेगा, पहले मुझे जब ये मैंने अप्लाई किया एक्सटर्नल फोर्स, तो देखो यहाँ पे क्या आया, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स आ गया। इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एफ कब आया है, जब मैंने एक्स डिस्प्लेस किया है, कितना एक्स डिस्प्लेस किया है। तो यहाँ स्ट्रेस कितना आया, स्ट्रेन कितना है वो बताओ, स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आएगी, नाउ स्ट्रेस इक्वल टू कितना आएगा, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स कितना है, एफ है, एरिया कितना है, ए है, स्ट्रेन कितना है, स्ट्रेन बच्चों होता है चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ कितनी है एक्स, ओरिजिनल लेंथ कितनी है ये एल, तो ये आ गया। यंग मॉडुलस क्या हो जाएगा, यंग मॉडुलस की वैल्यू कितनी आएगी, यंग मॉडुलस ऑफ वायर यहां देखोगे तो वाई इज इक्वल टू आएगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है, यहां पे एफ बाई ए है, ठीक, और ये कितना है एक्स बाई एल, तो इसका मतलब एफ एल बाई ए एक्स आ जाएगा, ये आ गया ए एक्स। तो यहां से जरा एफ निकालिए, एफ कितना आ जाएगा फोर्स, एफ इज इक्वल टू बच्चों यहां से आ जाएगा, देखो एफ इज इक्वल टू जो फोर्स आया है एफ इज इक्वल टू, तो ये आएगा वाई ए बाई एल इंटू एक्स। अब जो ये फोर्स आया है इंटरनल स्टोरिंग फोर्स, ये क्या है, एफ एक्सटर्नल के बराबर ही तो है, इसका मतलब ये जो फोर्स है इसको मैं क्या ले सकता हूँ, ये फोर्स, ये एक्चुअली क्या है, ये एफ, ये क्या आया है, ये एफ एक्सटर्नल के बराबर ही आया है। और यहाँ से आप एक चीज़ ये भी देख रहे हो, क्या देख रहे हो, दैट इज जो एफ प्रोपोर्शनल टू एक्स है या फिर एफ एक्सटर्नल प्रोपोर्शनल टू क्या आया है, एक्स आया है, मतलब जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है इंक्रीज इन लेंथ। ज्यादा अगर लेंथ बढ़ानी है तो ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, यहां से ये चीज क्लियर हो रही है, आप चाहे ये समझ लो आप चाहे ये समझ लो, क्लियर हुआ। अब आपको करना है वर्क डन, कैसा करना है, वर्क डन अगेंस्ट, क्या करना है, वर्क डन अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट इन रिस्टोरिंग फोर्स, कौन सा रिस्टोरिंग फोर्स, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है, तो मैं लिखने जा रहा हूं क्योंकि अब थोड़ा सा डिस्प्लेस और करना है और उसको डिस्प्लेस करने में वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन तो लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, वर्क डन अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स टू इंक्रीज स्मॉल अमाउंट ऑफ लेंथ, कितनी लेंथ है, स्मॉल अमाउंट ऑफ लेंथ dx, ठीक। तो छोटा सा वर्क डन निकलेगा, dw इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dw इज इक्वल टू आ जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना है आपके पास, f की वैल्यू है और डिस्प्लेसमेंट कितना है, dx है। अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता है, और किसके अगेंस्ट होता है, अगेंस्ट होता है इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, इसके अगेंस्ट इसने काम किया है, तो इसका मतलब है इसको आप क्या ले सकते थे, इसको आप एफ एक्सटर्नल ले सकते थे, यहाँ डीएक्स लिख सकते हो। अब समझ में आया कि इसके अगेंस्ट मतलब नीचे खींचना है, तो एफ एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी आई है, यह आया वाई ए बाई एल इंटू एक्स, यहाँ से कितना आएगा, डीएक्स आएगा। अब क्या करना है, अब आपको निकालना है कि वर्क डन अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स या इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स टू इंक्रीज लेंथ ऑफ वायर फ्रॉम एक्स इक्वल टू जीरो टू एक्स इक्वल टू डेल्टा एल तक करना है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर मैं बात करूं, देखो ये लैंग्वेज हटा देता हूं यहां पे, तो लिखोगे अमाउंट ऑफ वर्क डन, क्या लिखोगे, अमाउंट ऑफ वर्क डन, इसको भी हटा देता हूं, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू इंक्रीज लेंथ ऑफ वायर कहां से, लेंथ ऑफ वायर फ्रॉम एक्स इक्वल टू जीरो टू
एक्स इक्वल टू डेल्टा एल, मतलब जीरो से ले करके आपको एक्स इक्वल टू डेल्टा एल तक इस वायर को यहाँ तक पहुँचाने में आपको एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू, या एक्सटर्नल फोर्स किसके अगेंस्ट है, इंटरनल स्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट कितना वर्कडन कर रहा है, और वही वर्कडन कहाँ जाके स्टोर होता है, वायर के अंदर स्टोर होता है एज अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो क्या आएगा, ये तो स्मॉल वर्कडन था, टोटल वर्कडन कितना आ जाएगा, इधर भी इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा वाई ए बाई एल, यहाँ था एक्स, यहाँ था डी एक्स, लिमिट क्या है जीरो से डेल्टा एल तक, तो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, और यहाँ से वाई ए बाई एल बाहर आ जाएगा, और अंदर हो जाएगा एक्स डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा जीरो से डेल्टा एल तक। तो देखो वाई ए बाई एल ये तो कॉन्स्टेंट वैल्यू है, इसको बाहर लिखेंगे वाई वाई ए बाई एल, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है उसको मैं देखो यहाँ बताता हूँ, अगर कहीं लिखा हो एक्स डी एक्स, इसका मतलब ये होता है एक्स की पावर टू बाई टू प्लस सी, ऐसा होता है। कैसे आया होगा ये आता बच्चों ऐसे है, कैसे, जैसे कहीं लिखा होता है एक्स की पावर एन डी एक्स, तो इसको आप क्या लिखते हो, इसको लिखते हो एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक, आगे सी, सी कब लिखते हो, जब लिमिट ना दी जाए। तो जरा यहाँ देखो इसकी पावर कितनी है, वन है, क्या है इसकी पावर, वन, तो इसका मतलब वन में वन ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स की पावर वन प्लस वन, और जो ऊपर लिखा है वन प्लस वन वही नीचे आ जाएगा, लिमिट जीरो से डेल्टा एल तक है। नहीं समझ में आया, अभी देखो एक्स की पावर वन है तो वन में क्या ऐड करना होता है, जो पावर दी जाए उसमें वन ऐड करना है, जो ऊपर लिखा हो वही नीचे लिख दो, तो जो ऊपर लिखा है मैंने वही लिख दिया है। अभी देखो यहाँ से टू बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, वन बाई टू, ये वाई ए बाई एल आ गया, अंदर कितना आया, यहाँ पे आया है एक्स स्क्वायर, ये टू बाहर आ गया है, और यहाँ जीरो और डेल्टा एल है। तो देखो ये वैल्यू यहाँ लिमिट लगा दीजिए, अपर लिमिट ये लोअर लिमिट, तो पुट करोगे क्या आएगा, डब्ल्यू इक्वल टू वन, ये आ जाएगा वाई ए बाई टू एल, और यहाँ से आ जाएगा कितना, डेल्टा एल का स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर, तो ये वैल्यू मिलेगी बच्चों वन बाई टू वाई ए बाई एल, और यहाँ से आ जाएगा डेल्टा एल का स्क्वायर। तो देखो ये जो वर्क है, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द वायर एज फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्या लिखा जाएगा, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द वायर एज फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज क्या जाएगा, जो ये W है वो U के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसको अब ऐसे लिखा जाएगा, W U इज इक्वल टू क्या जाएगा, 1 बाई टू वाई ए बाई एल, ये हो जाएगा L का स्क्वायर। यहाँ बच्चों थोड़ा सा चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा, जो देखो यहाँ मैं डेल्टा L से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और डेल्टा L से डिवाइड, तो देखो ये जो डेल्टा, ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये एल और ये एल मिलकर के इसके नीचे आएंगे, तो क्या आ जाएगा, ये वन बाई टू आएगा, यहाँ से आ जाएगा वाई, ठीक, ये एल और ये एल मिलके इसके नीचे आएंगे, तो आएगा डेल्टा एल बाई एल का स्क्वायर आएगा, और यहाँ आएगा बच्चों ए एल, ठीक है। तो मैं इसको क्या ले सकता हूँ, देखो इसको मैं ले सकता हूँ वन बाई टू, इसको मैं ले सकता हूँ वाई, इसको ले सकता हूँ स्ट्रेन का स्क्वायर, क्या ले सकता हूँ, स्ट्रेन का स्क्वायर, और इसको ले सकता हूँ बच्चों वैल्यूम, क्या हो सकता है, वैल्यूम। थोड़ा सा ध्यान लगाओ, यहाँ पे एरिया पता हो और लेंथ पता हो, जैसे ये वायर है मेरे पास ऐसा वायर, तो मुझे इसका एरिया पता है, ठीक, और मुझे इसकी लेंथ पता है, तो इसका वैल्यूम कितना हो जाएगा, अगर मैं आपसे यहाँ पूछता कि वैल्यूम ऑफ वायर कितना है, वैल्यूम कितना आ जाएगा, वैल्यूम ऑफ वायर, तो आप बताते ए इंटू एल आता, एरिया इंटू लेंथ, क्या आता, एरिया इंटू लेंथ को ही वैल्यूम बोलते, तो मैंने वैल्यूम लिख दिया। अच्छा, एक तो फॉर्मूला आपको ये मिल सकता है, यू इक्वल टू क्या होता है, वन बाई टू वाई स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू वैल्यूम, एक बच्चों ये फॉर्मूला होता है, इसको आपको अपने मेमोरी में रखना है, मिल गया। दूसरा फॉर्मूला ये होता है कि वाई की जगह पे आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, वाई इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन भी होता है, स्ट्रेन ये अच्छे से दिख जाएगा आपको, ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन होता है। जब ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो देखो वाई की जगह पे, तो जब वाई की जगह पुट करोगे तो एक स्ट्रेन कट जाएगा, तो क्या मिल जाएगा,
यहाँ से फॉर्मूला आपको मिल सकता है u इज इक्वल टू 1/2, यहाँ आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा देखो y की जगह पे क्या आएगा, स्ट्रेस आएगा, और जो नीचे स्ट्रेन आएगा उससे एक स्ट्रेन कट जाएगा, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये है स्ट्रेस और नीचे है स्ट्रेन, इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू वैल्यूम, ऐसा लिखा हुआ है। तो देखो एक स्ट्रेन से एक स्ट्रेन कट जाएगा, तो यहाँ से क्या रिजल्ट मिल जाएगा, देखो मैं इसको इधर लिख देता हूँ, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये वैल्यू आ जाएगी, क्या मिलेगा यहाँ से बच्चों, ये मिल जाएगा u इज इक्वल टू 1/2, यहाँ से स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वैल्यूम किसका, वैल्यूम ऑफ वायर, ये एक फॉर्मूला हो जाता है। ये फॉर्मूला भी आपके बहुत काम का है न्यूमेरिकल के लिए। एक छोटी सी बात और है यहाँ पे, ये अगर पूछ लिया जाए एनर्जी स्टोर पर यूनिट वैल्यूम ऑफ वायर कितनी है, क्या पूछ लिया जाए, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वायर, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वायर, तो मतलब एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, तो आ जाता है स्मॉल यू, स्मॉल यू क्या होता है, यू अपॉन वॉल्यूम हो जाता है। तो जरा देखो जब इसके नीचे लाओगे तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो बच्चों ये फॉर्मूला ही फेमस है, क्या यही फॉर्मूला फेमस है, स्मॉल यू इज इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल यू इज इक्वल टू होता है कैपिटल यू अपॉन वैल्यूम, और वो आता है 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो ये है डेरिवेशन जो इम्पॉर्टेंट भी है और आपको आना भी चाहिए, क्योंकि इस तरह के डेरिवेशन में थोड़ी सी कंसेप्चुअल बात की जाती है, पहले और लास्ट कंडीशन तो समझ में आती है, ये क्यों ले रहे हैं इस बात को थोड़ा समझना है, क्योंकि अगर वर्क डन निकालना है तो डायरेक्टली हम x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू डेल्टा l खींचने में वर्क डन थोड़े निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, पहले स्मॉल वर्क डन निकालते हैं, तो कोई सिचुएशन बिल्डअप करनी पड़ेगी कि जब वायर नहीं खींचा था और जब वायर पूरी तरह से खींच चुका था, तो दोनों के बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेट होती है, उस स्टेट पर पहले फोर्स निकालिए, फिर थोड़ा सा और खींचिए तो वर्क डन निकलेगा, स्मॉल वर्क डन, फिर स्मॉल वर्क डन को आप इंटीग्रेट कर दीजिए कहां से, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू डेल्टा एल तक, तो वर्क डन आ जाएगा, और वही वर्क डन वायर में स्टोर हो रहा है बच्चों एज अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीन को पॉज करके पहले नोट डाउन कर लीजिए।